अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हो अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि आप और आपके घर वाले सदा सलामत रहें और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके सर पे आपके माँ बाप का साया हमेशा से रहे। अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो ठीक है, मगर बेल आइकन पर एक मरतबा क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। शुक्रिया। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाहौर कलंदर की इंतजामिया पुर उम्मीद है कि जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स टूर्नामेंट के तमाम मैचेस खेलेंगे और पाकिस्तान में होने वाले 8 मैचों के लिए भी दस्तियाब होंगे। जराए का कहना है कि डिविलियर की पाकिस्तान सुपर लीग PSL में शमूलियत से लाहौर कलंदर को स्पॉन्सर्स की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO राना आतिफ का कहना है कि ICC के साबिक सरबरा हारून लोरगार बराए रास्त डिविलियर के साथ रबते में है जो ने पाकिस्तान आने के लिए कायल कर लेंगे। राणा आतिफ ने कहा कि डिविलियर की शमूलियत से हमारी टीम का तवाजुन बेहतर हो गया है और हम पुर उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन में हमारी टीम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि स्टीवन स्मिथ चौके पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तियाब नहीं थे, इसलिए हमने ऐसे गैर मुल्की खिलाड़ी को लिया जो PSL में हमारी टीम में अपनी कारकर्दगी से जान डाल सके। वादा रहे कि स्टीवन स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग से कबल 5 जनवरी को शुरू होने वाले बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL में शिरकत करेंगे। स्टीवन स्मिथ और शेब मलिक को मेला विक्टोरियन की नुमाइंदगी करेंगे। तो दोस्तों ये थी एबी डिविलियर्स के मुतालिक कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। मेरी न्यू वीडियो आने तक अपने घर वालों का, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सदा सलामत रहे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।